तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं विवेक सिंह और टेक्नोमैक्सर के दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वीवो ने Z1 लॉन्च कर दिया है और कुछ लोगों को लग रहा है दोस्तों कि वीवो सुधर गया है, लेकिन मैं आपको असली बात बता दूं तो जरा भी नहीं सुधरा है यार। पहले भी कचरा फोन देता था, थोड़ा सा उसने अच्छा किया है, बट चलो हम बोल सकते हैं कोशिश की है तो चलो हाँ ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आप खरीदोगे वीवो के Z1 को भी, क्योंकि नोकिया X6 जो है वो कहीं ज़्यादा बेटर है सारे स्पेक्स में वीवो Z1 से, और प्राइस भी उसकी कम है इससे। तो आज हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वीवो Z1 को और नोकिया X6 को, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा क्यों नोकिया X6 मेरा फेवरेट है। हाँ, नोकिया X6 ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, थोड़ा सा उसका सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ नोकिया X6 में, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों कि वो इंडिया में आए। तो आज मैं, हाँ छोड़ो बकवास नहीं करते हैं, बताता हूँ मैं आपको कि नोकिया X6 क्यों बेटर है एज़ कम्पेयर टू वीवो Z1, और कंपैरिजन करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्पेक्स देख के आपको लगेगा कि वीवो Z1 बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत उसने वो किया और कुछ चीज़ें अभी तक छुपा के रखी हैं। 4 जून से सेल पे आएगा चाइना में वीवो Z1, ये बताना ज़रूरी था, बता दूँ। अभी से ऑर्डर प्री ऑर्डर कर रहे हैं वो लोग, वही JD.com ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं, आप शायद नहीं खरीद सकते उसको, इंडिया में आने का वेट करो, थोड़ा प्राइस ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए, 22-23 हज़ार रुपये हो जाएंगे अगर खरीद भी लोगे तो। तो क्या करते हैं हम लोग, आज कंपैरिजन कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले दोस्तों कंपेयर करते हैं उनके डिस्प्ले डिजाइन को, सीधी बात है स्टार्ट वहीं से करेंगे। तो वीवो Z1 का अगर बैक देखोगे दोस्तों तो वहाँ पे मेटालिक बैक दिया हुआ है, 3 अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं, अच्छे लगते हैं, खराब नहीं है। लेकिन अगर उसको कंपेयर करोगे नोकिया X6 से तो उसका बैक जो है ग्लास का है, वो ज़्यादा प्रीमियम लगता है एज़ कम्पेयर टू वीवो Z1। तो यहाँ पे मुझे अगर फेवर करूँगा, और सेकंड थिंग साइड में उसमें कैमराज दिए हुए हैं और नोकिया में सेंटर में दिया हुआ है वर्टिकल कैमरा, जो कि ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू साइड कैमराज। तो ये पर्सनल उस पर होता है, कौन प्रायोरिटी पे होता है कि कौन क्या सिलेक्ट करता है, बट मेरे हिसाब से नोकिया ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू वीवो Z1। दोस्तों डिस्प्ले पे आए अगर, तो डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों सेम है। वीवो Z1 का साइज थोड़ा सा बड़ा है, उनका 6.28 है, नोकिया का 5.8 है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें फुल HD प्लस का डिस्प्ले है जिसका रिजोल्यूशन 1080x2280 का है। प्लस अगर आपको देखोगे तो इसमें 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, नोकिया में 84% मिलेगा। उसके बाद 435 का पिक्सल डेंसिटी है दोनों में, 19:9 का आस्पेक्ट रेशियो है दोनों में, 2.5D कर्व ग्लास है दोनों में, IPS LCD के डिस्प्ले हैं दोनों में, लेकिन यहाँ पे बाजी मारता है नोकिया X6 गोरिल्ला ग्लास की वजह से। उसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया कि किसका प्रोडक्शन दिया है, तो अभी मैं बता नहीं सकता। अगर दिया होगा तो मुझे लगता है दोनों सेम है, नहीं दिया तो यहाँ पे नोकिया जीत जाता है इस चीज़ में। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस में हाँ वीवो Z1 थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू नोकिया, बट नोकिया का X6 जो है वो 636 के साथ आता है जो कि 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है, वीवो का 660 के साथ आता है जो कि जिसमें ऑक्टाकोर है, 4 कोर, जो क्रायो 260 के 4 कोर हैं वो 2.2 GHz पे काम करते हैं और 4 कोर जो है वो 1.8 GHz पे काम करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो 660 थोड़ा सा पावरफुल ज़रूर है, लेकिन आपको डिफरेंसेस उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन 636 ज़्यादा पावर सेविंग है, मतलब बैटरी बहुत बचाएगा, पावर एफिशिएंट है। 660 उतना पावर एफिशिएंट नहीं माना जाता, मैं ये नहीं कहता खराब है, 660 ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू 636, और थोड़ा थोड़ा पता भी चलेगा अगर आप यूज़ करोगे तो। लेकिन पावर एफिशिएंसी की बात, अब बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र, बहुत हैवी यूज़र नहीं हो बहुत ज़्यादा, तो 636 से अच्छा प्रोसेसर है आपके लिए एज़ कम्पेयर टू 660, क्योंकि 636 पावर एफिशिएंट है, पावर बचाता है ये। तो दोनों मैं टक्कर में मानता हूँ अगर देखा जाए तो। उसके बाद अगर GPU की बात करें तो ग्राफिक्स के लिए हाँ 512 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू 509, और ज़्यादा आपको क्लीन, अगर गेम खेलोगे ये सब चीज़ दें तो उसमें ज़्यादा आपको लैग्स देखने को नहीं मिलेंगे और स्मूथली वो परफॉर्म करेगा 512 एज़ कम्पेयर टू 509। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे है, मैं ये नहीं कहता पीछे है, लेकिन आपको अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, ठीक ठाक अच्छे भी यूज़र हो, तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंस ज़्यादा पता चलेगा नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे वीवो का Z1 जीत जाता है नोकिया X6 से, लेकिन मुझे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आगे है, थोड़ा सा टक्कर है, नोकिया X6 ज़्यादा पीछे नहीं है दोस्तों। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे नोकिया ज़्यादा बेटर लगा, पर्सनल प्रायोरिटी फिर से वही आती है, दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड मुझे किसी भी कस्टमाइज्ड स्किन से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नोकिया में आपको एंड्रॉयड का 8.1 ओरियो मिलता है, इसमें भी आपको एंड्रॉयड का 8.1 ओरियो ही मिलता है। और अगर स्किन की बात करें तो इसमें आपको फन टच, जो उनका वीवो का खुद का उनका स्किन है, फन टच का 4.0 का स्किन मिलता है,
अगर आप स्किन पसंद करते हो अलग अलग से तो आपको वहाँ पसंद आएगा, नहीं तो स्टॉक एंड्रॉयड ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कस्टमाइज्ड नहीं होता, एकदम क्लीन होता है, प्योर होता है और उसमें अपडेट्स भी बहुत जल्दी जल्दी आते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मेरी प्रायोरिटी बोलूँ तो मुझे नोकिया एक्स ज़्यादा अच्छा लगा, X6, क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉयड है और आपको क्लीन फ़ोन मिलेगा एकदम, ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा ब्लोटवेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे, फालतू के ऐप्स जो आपको यूज़ नहीं करने हो आपको कचरे ऐसे नहीं मिलेंगे उसमें दोस्तों। अब आते हैं कैमरा पे, तो कैमरा की बात करें तो इसमें 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया हुआ है, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, लेकिन और कोई स्पेसिफिकेशन बताया नहीं है कितना आपका उसका फिजिकल अपाचर है, कितने माइक्रोमीटर के उसके लेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें बताई नहीं है, तो ये सब अभी तक छुपा के रखा गया है और अभी आया नहीं है दोस्तों। इसके बदले अगर मैं नोकिया की बात करूँ तो कैमरा मेगापिक्सल नोट से बेटर है, अगर आप देखोगे तो 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, फिजिकल अपाचर F2.0 है और सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, मुझे तो अच्छी लगी। उसका खाली वो माइक्रोमीटर की बात करें तो थोड़ा सा उसमें कम है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। और Z1 वीवो का जो Z1 है उससे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे नोकिया कैमरा में, तो कैमरा में भी ये जीतता हुआ दिखता है क्योंकि उन लोगों ने छुपा के रखी, पता नहीं उस टाइम क्या धमाका करेंगे। कैमरा की अगर बात करें अच्छी तो यार इससे अच्छा तो फिर Honor ने कल 7 Play लॉन्च किया 24 मेगापिक्सल कैमरा, तो क्या ज़्यादा अच्छा हो गया 6000 रुपये में खाली, तो मेरे हिसाब से अगर आप बात करोगे तो नोकिया ज़्यादा अच्छा है, एज़ कम्पेयर टू उससे ज़्यादा अच्छा लगा कैमरा में मुझे नोकिया। अब आते हैं बैटरी पे, बैटरी 3260 mAh की है, नोकिया की बैटरी 3060 mAh की, मतलब 200 mAh का फर्क है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से, 10 या 15 20 मिनट में उसका डिफरेंस आपको पता चलेगा खाली इतना ही, लेकिन नोकिया ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसने फास्ट चार्ज दिया है और टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है, इन लोगों ने फास्ट चार्ज नहीं दिया, मतलब नोकिया को आप आधे घंटे में 1 घंटे में 90% तक चार्ज कर सकते हो या 1.25 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो, इसमें आपको फास्ट चार्ज दिया नहीं है तो इसको चार्ज करने में आराम से आपको 1.5-2 घंटे लग जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी नोकिया ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू वीवो का Z1। मैं नहीं बता रहा हूँ यार स्पेक्स हैं, आप ऐसा मत सोचो कि मैं नोकिया की बड़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद ही देख लो स्पेक्स ने यार, हाँ फेवरेट है मेरा बट आप खुद ही स्पेक्स देखो, मैं क्या करूँ उसके लिए। अच्छा अब आते हैं दोस्तों सेंसर्स पे, सेंसर्स की बात करें तो सारे सेंसर्स दोनों में है, कोई नहीं जीतता कोई नहीं हारता दोनों में, हाँ एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सारे सेंसर्स दिए हुए हैं। बैक साइड पे आपको रियर साइड पे वही फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, फेस अनलॉक मिल जाएगा उसमें आपको, NFC सपोर्ट नोकिया में है इसमें नहीं है, तो NFC सपोर्ट नोकिया दिया हुआ है इसने नहीं दिया NFC, तो हम लोग उतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है NFC का, बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं NFC का, वो देखा होगा मोबाइल लेके टच करके करते होंगे, वो NFC पेमेंट्स होता है उसके लिए यूज़ होता है, वो इसमें नहीं दिया है नोकिया में दिया हुआ, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर है नोकिया इससे, हाँ जीत गया दोस्तों। लास्ट आते हैं वेरिएंट प्राइसिंग, स्टोरेज ओरेज सब ले देकर अगर बात करें तो सेम वही है जैसा नोकिया का है, अगर हम लोग सिम स्लॉट की बात करें तो सिम स्लॉट में इसमें भी ड्यूअल सिम आता है हाइब्रिड, नोकिया में भी हाइब्रिड ड्यूअल सिम है, दोनों 256 GB तक एक्सपांडेबल है, दोनों में 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन वेरिएंट में नोकिया जीत जाता है क्योंकि इसमें आपको एक ही वेरिएंट आता है बेसिक वाला 4GB 64GB। अगर नोकिया में आप जाओगे तो नोकिया में आपको मिलता है 4GB 32GB, 4GB 64GB, 6GB 64GB, तीनों वेरिएंट आते हैं, तो मतलब आपके ऊपर है कि आप कौन सा, आपके पास चॉइस है इसमें, लेकिन आपको वीवो में चॉइस नहीं है, एक ही वेरिएंट है 4GB 64GB वाला। उसके बाद अगर हम लोग प्राइसिंग पे आएँ तो प्राइसिंग में भी महंगा है, अगर दोनों के 4GB 64GB वाले वेरिएंट की बात करोगे चाइना में प्राइस जो है, तो 4GB 64GB वाले का प्राइस चाइना में वीवो Z1 का 19,000 है, 19,000 से भी ज़्यादा, 19,250-300 के आसपास, और नोकिया X6 जो 4GB 64GB वाला है उसका प्राइस चाइना में 16,000 है, 16,000, तो यार 3,500 का फर्क हो गया। और इसमें मिल क्या रहा है आपको, सिर्फ प्रोसेसर वो भी थोड़ा सा अच्छा, बाकी सारी चीज़ें कचरा। नोकिया जीत किसमें रहा है देखिए मैं बताता हूँ आपको, डिज़ाइन में, गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें स्टॉक एंड्रॉइड है, उसके बाद बैटरी में भी दोनों सेम है बट आपको फास्ट चार्ज मिलता है, कैमरा में भी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू उससे, उसके बाद वेरिएंट आपको ज़्यादा मिलते हैं इसमें, और प्राइसिंग भी कम है नोकिया की एज़ कम्पेयर टू, और सबसे बड़ी चीज़ नोकिया का ब्रांड, हाँ ये मुझे बोलना ज़रूरी है क्योंकि नोकिया का ब्रांड एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड, मैं नहीं मानता इस टाइम सैमसंग को छोड़कर मिड रेंज बजट में, नाम में सैमसंग भी मिड रेंज बजट में नहीं आता अभी इस टाइम पे, कचरे ही दे रहा है, तो मिड रेंज बजट में अगर नोकिया X6 लेकर आता है तो नोकिया जैसा नाम अगर किस कोई स्मार्टफोन का नहीं मानता मैं, शाओमी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, नोकिया को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मार्केट में एंटर करने के लिए क्योंकि उसका नाम पहले से यहाँ पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा नाम है नोकिया का, तो इसमें जीत गया Z1 हार गया, नोकिया X6 जीत गया दोस्तों। तो हाँ तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे नोकिया ज़्यादा बेटर है, मत भागिए Z1 के पीछे, प्राइस वाइज मत देखिए,
मतलब वो लोग खाली उन लोगों ने कचरा ही दिया है, खाली एक प्रोसेसर दे दिया आपको, उसके बाद और कोई चीज़ दी नहीं है। 20,000 बहुत ज़्यादा होता है ऐसे स्पेसिफिकेशन के साथ। अगर कोई फ़ोन 14-15 हज़ार में फ़ोन लॉन्च करता तो मैं मानता कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता 20,000 आप वीवो को दे सकते हो। 20,000 बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को ऐसा हाइप कर क्रिएट करने की कोशिश करें कि बहुत सस्ता स्मार्टफोन दिया। पहले 20,000 में 450 के प्रोसेसर बेचता था, कैमरा थोड़े दिखा दिखा के, अब थोड़ा सा प्रोसेसर हाई किया है, बाकी और कुछ खास किया नहीं है, कचरा ही दिया है दोस्तों। तो उसके पीछे भागो मत, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर वेट करोगे आप इसकी तो नोकिया के साथ ही लॉन्च होगा, क्योंकि अचानक भी इन लोगों ने लॉन्च किया और अचानक सेल करना भी स्टार्ट कर दिया। नोकिया ने लॉन्च किया था, कुछ टाइम रुका, उसके बाद सेल पे आया, फिर उसके बाद इन्होंने आज ही लॉन्च किया, आज ही सेल पे भी डाल दिया है, ऑर्डर चालू हो गया, जो 4 जून से सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपेयर करो, देखो आपको अच्छा लगता है, वीवो के पसंद है आपको तो जाइए लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं पसंद है तो नोकिया के लिए वेट कीजिए दोस्तों। अरे हाँ, भूल गया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सबको बताइए, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए क्यों नहीं पसंद आया। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड में देखो मेरा वेक्टर इमेज दिखेगा आपको गोल सा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ, कुछ नए उसके साथ, हाँ उसके साथ, हाँ जय हिंद दोस्तों।